शायद आपके घर में भी एसी लगा हो। अगर नहीं भी लगा हो तो आपने जरूर सुना होगा कि लोग एसी को टन में बताते हैं। और आपने भी सोचा होगा कि आखिर एसी में टन क्या होता है। टन तो एक वजन मापने का माप है। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में जान लो। और साथ ही ये कुछ गजब के फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 3, जैसा कि आपको पता है कि जब युद्ध शुरू होता है तो वो कई दिनों तक चलता है, कुछ वार तो सालों साल तक चलती है। लेकिन एक युद्ध ऐसा भी हुआ है जो कि कुछ मिनटों में ही खत्म हो गया। जी हाँ, आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि सिर्फ कुछ मिनट, लेकिन ये सच है। 27 अगस्त 1896 में ब्रिटेन और झांजीबार के बीच में ये युद्ध हुआ था। दरअसल बात 1890 की है, जब झांजीबार ने ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हुई एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि की वजह से झांजीबार पर ब्रिटेन का अधिकार हो गया। झांजीबार की देखभाल करने गए सुल्तान की मौत के बाद उसके भतीजे ने खुद को झांजीबार का सुल्तान घोषित कर लिया और सत्ता हथिया ली। लेकिन ये बात ब्रिटेन को नागवार गुजरी और ब्रिटेन ने उसको सुल्तान पद से हटने का आदेश दिया, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। और उसके बाद झांजीबार को फिर से हासिल करने के लिए ब्रिटेन ने उस पर आक्रमण कर दिया और ये युद्ध सिर्फ 38 मिनट में जीत लिया। जी हाँ, सिर्फ 38 मिनट में। इस युद्ध में 500 झांजीबारियों की जान चली गई थी। इस युद्ध को दुनिया का सबसे छोटा युद्ध माना जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे छोटी कार के बारे में? अगर नहीं तो जान लो, ये है वो कार जिसका नाम है PIL P50 और इसे दुनिया की सबसे छोटी कार होने का खिताब भी मिल चुका है। लेकिन आप सिर्फ इस कार को देखकर ही नहीं बल्कि आप इसकी कीमत जानकर भी चौंक जाएंगे। इस कार की लंबाई 54 इंच, चौड़ाई 41 इंच और ऊंचाई 47 इंच है। इस छोटी सी कार में एक ही हेडलाइट और एक ही दरवाजा है और इस कार का वजन 59 किलो से लेकर 110 किलो तक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये PIL P50 कार पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों में अवेलेबल है। पेट्रोल पर इस कार की हाई स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और इलेक्ट्रिक में 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पेट्रोल में ये कार 50 किलोमीटर तक एवरेज देती है तो वही इलेक्ट्रिक सिंगल चार्ज में 24 किलोमीटर तक दौड़ जाती है। ये PIL 50 कार इतनी छोटी होने के बावजूद इसकी कीमत अगर आप इंडियन रुपीज में करें तो 10 लाख रुपए से शुरू होती है। जी हाँ, फैक्ट नंबर 1, जैसे कि बहुत लोगों के घर में एसी लगे होते हैं और जब कोई पूछता है कि यह कितने टन का एसी है तो लोग बताते हैं 1 टन का है या 2 टन का। लेकिन आपने भी सोचा होगा कि आखिर एसी में टन क्या होता है। जिनके घर में भी एसी लगा होगा उन्हें भी शायद नहीं पता होगा कि आखिर एसी में टन क्या होता है। तो जानिए, असल में आप तो जानती है कि टन एक वजन मापने का माप है, लेकिन एसी में टन का मतलब होता है ठंडा करने की क्षमता। एसी में टन का मतलब आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जितना ज्यादा टन का एसी होगा वो उतने ही ज्यादा एरिया को ठंडा करेगा। 1 टन के एसी का मतलब आप ऐसे समझिए कि आपके कमरे को 1 टन बर्फ जितनी ठंडक देगा तो 1 टन का एसी भी आपके कमरे को उतना ही ठंडा करेगा। एसी में टन का संबंध आपके कमरे से होता है। आपका कमरा या हाल जितना बड़ा होगा उतने ही ज्यादा टन का आपको एसी लगेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एसी में टन का मतलब क्या होता है। क्या आपको ये पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें।